मेरा नाम आकाश कोहली एम ए शिशौली मेरा डिपार्टमेंट है। अज जिहड़ा असीं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं फी हाइक का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इत्थे जिवें यूनिवर्सिटी वालिया ने डबल फीसां करतीआं इक्को दम, ये साडी कल्लिआं दी लड़ाई नहीं गी हैगी। इत्थे हर तरह का स्टूडेंट पढ़ता इस यूनिवर्सिटी, हर तरह का बच्चा पढ़ता, सब की फाइनैशियल कंडीशन इक्को जी नहीं हुंदी। तो यही सब नूं मैसेज दूंगा, साडी परसनल कोई लड़ाई नहीं, ये सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के हकों वास्ते असी प्रोटेस्ट किया। यही मैसेज देना चाहूँगा, वध तों वध सानूं पार्टीसिपेट करन, साडे नाल जुड़न। धन्यवाद। एक मिनट। So a couple of days back, as you're all aware, there was a massive fee hike which has been proposed by the Senate and approved by it on the same side. 3-4 days back, NSUI PU submitted a memorandum in the same regard. Yesterday again, we came to speak to the authorities. However, we were compelled to block the road as there were no heeds that were being paid to our demands. And now, we have no idea but to resort to a chain hunger strike. And we'll be sitting on the hunger strike till the time our fees are not rolled back. We are standing here for the students of PU, and not just for the students of PU, but for the youth who wants to come forward and study. We want your support. Please extend your support to NSUI PU. Thank you. हाय, गुड मॉर्निंग। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है आजकल, वो फीस का है, फीस हाइक का। एक ऐसी फीस हाइक जो इतने लार्ज नंबर पे बढ़ रही है, जिसका किसी अथॉरिटी के पास कोई आंसर नहीं है, कोई DSW हो या कोई वार्डन हो या VC साहब। पंजाब यूनिवर्सिटी 3 साल से एक फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है, जिसका अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी ने भी इस चीज़ में हमें ना फंड दिया गया है ना दे रहे हैं। और इस चीज़ का सीधा असर एक आम स्टूडेंट की जेब पे पड़ रहा है, एक ऐसे स्टूडेंट की जेब पे पड़ रहा है जो यहाँ पर अपने माँ बाप के सपने पूरे करने आए हैं, जो यहाँ कुछ बनने आए हैं, और उनकी ही जेब पे इतना बड़ा खर्च डाला जाता है कि जो बेरेबल नहीं है। 1100% फीस हाइक, और या फिर अगर 12.5% फीस हाइक जो है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट की जेब पे पड़ रहा है, उनके पेरेंट्स की जेब पे पड़ रहा है, जो बहुत ही गलत है। इसके रिगार्डिंग हम एक हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहे हैं, चेन हंगर स्ट्राइक, जो तब तक चलती रहेगी जब तक ये फीस हाइक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और हम नॉर्मल स्टूडेंट से एक सिर्फ उनके साथ की उम्मीद रखते हैं कि ये लड़ाई एक सिर्फ एक स्टूडेंट की लड़ाई नहीं है, 16,000 बच्चों की लड़ाई है, और उन बच्चों की लड़ाई है जो आगे आएंगे, जो आगे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। हेलो, आई एम मनवतन पाल सिंह सिद्धू फ्रॉम लॉ डिपार्टमेंट। तो अज तो असं सारे NSUI पार्टी के वर्कर असी सारे जने हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहे हैं। तो मैं चाहना कि जिन्हें भी मेरे वीर भरा ने सारे जने सा साथ देन। ये मेरे कल का मुद्दा नहीं है, तो यह सारी यूनिवर्सिटी का मुद्दा है। तो क्योंकि फी हाइक हुई है, सारे डिपार्टमेंट में औखा है। तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरे नवे वीर भरा आ रहे हैं तो उन्होंने भी यह मुद्दा सामना करना पवे। तो मैं चाहता जिन्हें भी वो सा सपोर्ट करेंगे, सबनों फायदा होगा। तो जब तक यूनिवर्सिटी फी हाइक वापस नहीं लेंदी, असं सारे जने हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहा है। Hi, I'm Nikhil Rampal. I'm from the Department of Economics and I'm the department representative. So today the NSUI has started the chain hunger strike owing to the fact that our fees have been raised. Right, all the new brothers and sisters who are going to come to this university are going to pay an exorbitant price, and this is what we don't want. The tussle between the MHRD and the Punjab University authorities has led to a very big fire amongst the students who are unable to pay such a high fees. So I request you all to please come and join the protest, because if we don't join the protest, then who is going to take care of us? Because the universities authorities are not listening, the MHRD is not listening, and we want you people, you all people, to come together and fight for the cause. Thank you. Hello friends, good evening. आज हम NSUI की तरफ से चेन हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, और ये चेन हंगर स्ट्राइक पे आज हमारा पहला दिन था। और इस हंगर स्ट्राइक का करने का मेन इशू जो था, मेन मुद्दा था, वो ये था कि आप लोगों की जो फीस बढ़ी है और इतनी ड्रास्टिकली रेज की गई है, और जो हमारी यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, और UGC जो फंड्स रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, उन फंड्स की डिमांड करने के लिए, ताकि सारा फाइनेंशियल बर्डन हम स्टूडेंट्स की पॉकेट्स पे, हमारे पेरेंट्स की पॉकेट्स पे ना पड़े। इस वजह से हम चाहते हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपना पॉलिसी डिसीजन रिकन्सिडर करें और हमारी फ़ीस का टोटल रोल बैक हो। इस रिगार्ड में हमारा जो आज पहला दिन था, ये हम रोज़ 10 o'clock टू 7 o'clock हंगर स्ट्राइक पे रोज़ एक बच्चा बैठेगा, और इनडेफिनेटली ये हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू होगी। आज का दिन हमारा सक्सेसफुली ओवर रहा, पर कोई अथॉरिटीज़ आज हमें हमारी मांग सुनने नहीं आई हैं, और हम
चाहेंगे कि आप हमारी हंगर स्ट्राइक पे, हम डीसी ऑफिस के बाहर हैं और कल जैसे कि आज हमने करी, कल आकाश कोहली सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे और वाइस चांसलर सर के ऑफिस के बाहर बैठेंगे हम। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इस इशू को सपोर्ट करते हैं तो आप हमें ज्वाइन ज़रूर करें। और इसके अलावा ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं जाती, ये बात हम लोग उठा के चंडीगढ़ की MP माननीय किरण खेर जी उनके घर तक, और इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली तक, और साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो नई सरकार बनाई है वहाँ भी हम अपनी डिमांड्स लेके जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें। So Siya Minocha has given a very fair account of the entire day that has been spent, and as a citizen of this nation, I'd request and I'd appeal to all of you to come forward for this cause, for because I would say something like this, because I am an ongoing student and the fee hike is not going to affect me, but it's only going to affect all our younger brothers and sisters who are willing to be a part of this prestigious institution. So I would request you all to come forward against these tyrannical ways of the national government, so that we can protect the future of the country and our younger brothers and sisters. Thank you very much. Please do support us. It's #SafePU. Hello friends, मैं शुभम जियोलॉजी डिपार्टमेंट से। सुबह से हम लोग यहाँ पे सिया के साथ दे रहे हैं, सिया के साथ बैठे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हम सभी फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कल, आज जैसे कि हॉलीडे थी तब भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स का मतलब थोड़ा नहीं आ पाए, ठीक है। अथॉरिटी ने तो इंफॉर्मेशन थी, उनको मैसेज पहुँचा दिया, तब भी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। तो स्टूडेंट्स को मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें कल ज्वाइन करें, ताकि हम और ज़्यादा इन पर मतलब प्रेशर डाल सकें, ताकि हमारी फीस वापस नॉर्मल हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है।